बांजना क्षेत्र में भैंसों के चोरों को पुलिस ने पकड़ा। बक्सवाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांजना चौकी में सोमवार की रात बांजना पुलिस द्वारा 5 भैंस चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार की रात करीब 12 बजे मुखबिर की सूचना पर बांजना पुलिस को जानकारी लगी कि मल्हार गांव में कुछ चोरों द्वारा एक पिकअप वाहन में भैंसों की चोरी की जा रही है। तब चौकी प्रभारी राजेश सिंह सिकरवार ने अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर धर दबोचा। बांजना चौकी प्रभारी राजेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, मल्हार के जंगल से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो रात्रि 12 बजे चोरी से 5 भैंसों को ले जा रहे थे। इसके बाद उन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। घटना घटी आपके साथ? मेरा नाम विशाल यादव। मेरे साथ ऐसी घटना घटी है कि मैं अपनी भैंसें जंगल में चराने गया था। वहां से जब मैं भैंसों को छोड़ दिया भोजन करने के लिए, 2:30 बजे घर आया, उसके बाद भैंसों के लिए गया तो मेरे को भैंसियाँ नहीं मिली। फिर मैंने पुलिस वाले को बताया, सूचना करी, तो साहब लोग रात को फिरे घूमे तो इन लोगों ने हमारा सहारा किया और मतलब सभी लोगों ने हमारा सहयोग शासन प्रशासन ने किया। कितने लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे? यहाँ भी मौजूदगी में तो सर लोगों ने 5 को गिरफ्तार किया है, कुछ अभी फरार है, पता नहीं हमको, वही जाँच करेंगे। कितनी भैंसे थी आपकी? हमारी स्वयं की 2 रंग हैं और मेरी भाभी रांड हो गई है, उसकी है 3 रंग, 5 रंग है। गाड़ी में रखी मिली थी भैंसे? वो पिकअप खड़ी है, राधे राधे लिखा है, यूपी का नंबर है उसमें, तो उसमें मिली है सारी। मेरे संज्ञान में कल भैंसे चोरी हुई थी, जो मुखबिर द्वारा रात को लगभग 12:30 बजे, मैं छतरपुर में ड्यूटी पे था, दौरान ड्यूटी के मेरे को सूचना प्राप्त हुई। सूचना को तुरंत मैंने थाने में अवगत कराया SI मनमोहन एंड SCM रामजी अहरवाल, सुनील आरक्षक हमारा कुर्मी, तुरंत ये घटनास्थल पर पहुँचे, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान गाड़ी में 5 भैंसे वो चढ़ा चुके थे। घेराबंदी के दौरान 5 आरोपी घटनास्थल पर ही गिरफ्तार हो गए, एक आरोपी फरार होने में सक्सेस रहा, एक आरोपी का 12 बोर का कट्टा साथ में प्राप्त हुआ है और मुकदमा दर्ज 36/24 धारा 303 BS में कायम कर लिया गया। अभी जांच में चल रहा है, जो आगे की प्रक्रिया होगी वो बाद में आपको क्लियर कर दी जाएगी।